मुस्लिम समुदाय ने कुर्बानी और त्याग का पर्व ईद उल जुहा पूरी अकीदत के साथ मनाया। इस अवसर पर भिलाई के जामा मस्जिद में लोगों ने ईद की विशेष नमाजें अदा के साथ ही अपने परिवार, प्रदेश, देश के लिए अमन व चैन की दुआएं मांगी। रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति के लगभग 70 दिनों बाद ईद उल जुहा का त्यौहार मनाया जाता है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार हजरत इब्राहिम अपने पुत्र हजरत इस्माइल को इसी दिन खुदा के हुक्म पर खुदा की राह में कुर्बान करने जा रहे थे, तो अल्लाह ने उनके पुत्र को जीवन दान दे दिया, जिसकी याद में यह पर्व मनाया जाता है। यही कुर्बानी व त्याग का पर्व ईद उल जुहा आज प्रदेश भर में भी पूरी अकीदत व उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर मस्जिदों व ईदगाहों में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की विशेष नमाज अदा की। भिलाई की ईदगाह में भी इंतजामिया कमेटी ने नमाजियों की बढ़ती तादाद में आमद को देखते हुए पुख्ता तैयारियां कर रखी थी। भिलाई के सेक्टर 6 स्थित ईदगाह में जामा मस्जिद के इमाम हाफिज मोहम्मद इकबाल अंजुम ने ईद उल जुहा की नमाज पढ़ाई और देश में शांति व भाईचारे के लिए दुआएं भी की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाइयां दी। جلال المتقدس بالحسن والجمال هو الذي خالق لجميع الشيء والأمر ساتھ ہم اپنے بیستی مینجمنٹ کی جامع مسجد کے امام محمد اقبال انجم نے पहले ईद उल जुहा की नमाज अदा करने आए अकीदतमंदों का इस्तकबाल किया, साथ ही ईद उल जुहा की फजीलत बयां की और मीडिया को बताया कि ईद उल जुहा का पर्व राह खुदा में त्याग के साथ ही जरूरतमंदों की मदद करने का पैगाम देता है। सबसे पहले तो हम तमाम मुसलमानों को और तमाम मुल्क के लोगों को हम ईद उल जुहा की मुबारकबाद पेश करते हैं। और चूँकि आज कुर्बानी का दिन है और कुर्बानी का जो मकसद है वो आपको कुर्बानी के लफ्ज से सुना रहा है, कुर्बान होना। तो चूँकि आज एक सिंबॉलिक तौर पर अल्लाह की राह में जानवर ज़िबा किया जाता है, लेकिन इसके पीछे जो मकसद है और रीज़न वो ये है कि हर तरह की कुर्बानी जो हमें देनी चाहिए, चाहे अपने जान से, चाहे माल से, चाहे अपने मुल्क के लिए हो या अपने पड़ोसी के लिए हो या अपने गरीब भाइयों के लिए या अमीरों के लिए, जिससे भी इस तरह की कुर्बानी की ज़रूरत पड़े, मुसलमान को हमेशा कुर्बान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए यही इस्लाम का संदेश है, यही इस्लाम की तालीम है और यही इस्लाम और कुरान का पैगाम है कि हर हाल में जिस जगह भी हमें अपनी जान माल की ज़रूरत पड़े, देश के लिए, मुल्क के लिए, लोगों के लिए हमें पेश करना चाहिए। इस दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने ईदगाह पहुंचकर मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद पेश की और यह मुबारकबाद देने का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।